हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। एक्चुअली ये 8 फरवरी को मॉर्निंग में लेक्चर पब्लिश होने वाला था, बट मॉर्निंग में किसी रीजन वजह के वजह से ये पब्लिश नहीं हो पाया, तो अभी मैं इसको इवनिंग में पब्लिश कर रहा हूँ। तो डायग्नोसिस एंड हम टेस्टिंग पढ़ रहे हैं हमारे ऑटोमोबाइल में, और अब तक हमने डायग्नोसिस का इंट्रोडक्शन का चैप्टर देखा है, बैटरी की टेस्टिंग देखा है, आज हम डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग क्लच की पढ़ेंगे। बट एक चीज फ्रेंकली मैं आपसे बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो हमारा चैप्टर है बेसिकली, या जो हमारा सिलेबस है डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग ऑफ व्हीकल का, इसमें आपको इंजन की परफॉर्मेंस और इंजन की टेस्टिंग भी पढ़नी है। तो आपको वो वाला पोर्शन ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसी पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पोर्शन दिया है आपके सिलेबस में, डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप सारा पढ़ के जाओगे तो आपको ज्यादा प्रॉबिलिटी होती है। बट नेवरदलेस सारा पढ़ने पढ़ने ही आपको, बट उसके साथ साथ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना होता है। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके उसी पोर्शन से आए हैं, इंजन के टेस्टिंग वाले पोर्शन से आए हैं। तो वो वाला पोर्शन जब हम करेंगे तो उसको आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, बट सिलेबस में ये भी है इसलिए हम इसको भी पढ़ रहे हैं। तो आज हम बेसिकली क्लच को पढ़ेंगे, इसके बाद आपको ब्रेक बचेगा, इसके बाद व्हील एंड टायर बचेगी, उसके बाद हम इंजन वाले पोर्शन पे मूव करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको सर्च करना है @ManuAcademy और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेक्चर मैं बनाता हूँ उसकी सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कि आपको क्लच की डायग्नोसिस पढ़नी है या क्लच की टेस्टिंग पढ़नी है तो आपको पहले जो क्लच है उसकी वर्किंग को समझना होगा, तभी आप डायग्नोसिस कर पाओगे। तो क्लच होता क्या है बेसिकली? क्लच हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होता है। पावर ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं, एक तरह की आप सब ये समझ लो कि कपलिंग ही है, कपल्ड हो जाती है दो प्लेट जिसके वजह से पावर ट्रांसमिशन होता है। पावर ट्रांसमिशन का जो यहाँ पे मेजर फोर्स होता है जो पावर ट्रांसमिट करता है, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर हम क्लच प्लेट को ब्रॉडली बात करें तो ये बेसिकली इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक ड्राइविंग होता है, एक ड्रिवन होता है। मतलब एक के पास पावर होती है जो हमारी क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है या फिर फ्लाई व्हील के पास में कनेक्ट होता है। दूसरा हमारा जो ड्रिवन होता है, जो पावर हमारे ड्राइविंग सिस्टम से लेता है, उसको हम कहते हैं ड्रिवन। जहां पे हमारी क्या कनेक्ट होती है, हमारी वहां पे प्लेट क्लच कनेक्ट होती है, और दोनों को जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो पावर ट्रांसमिट होता रहता है, और दोनों ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती हैं, पावर ट्रांसमिट होता रहता है। जब हमको डिसएंगेज करना होता है तो हम क्लच पैडल को दबा के डिसएंगेज कर लेते हैं। तो ये सारा सिस्टम है। अब वहां पे वियर टियर आ सकता है जिसके वजह से हमारा जो क्लच की लाइनिंग है, फ्रिक्शन लाइनिंग, वो घिस गई हो, जिसके वजह से वो इंगेज सही से नहीं हो रहा हो, या फिर हाइड्रोलिक है तो वहां पे लीकेज होगा फ्लूड का, फ्लूड लेवल अच्छा नहीं हो, वहां पे एयर बबल आ गए, इस टाइप के प्रॉब्लम्स वहां पे आ सकते हैं, या फिर आपका केबल वाला हो तो केबल खराब हो गया हो, वायरिंग खराब हो गई हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसके वजह से हमारा क्लच खराब हो सकता है। तो यहाँ पे आपका डायग्राम है, इस टाइप की फ्रिक्शन लाइनिंग होती है हमारे क्लच प्लेट पे जो कि इंगेज करती है। यहाँ पे पूरी असेंबली आपको दिखाई गई है, तो ये असेंबली होती है हमारे पूरे क्लच प्लेट की। इस डायग्राम को आप देखो, थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप देखिए, ये हमारा इंजन है, इंजन में हम क्या करते हैं, हमारी क्रैंकशाफ्ट इंजन को रोटेट करता रहता है। क्रैंकशाफ्ट हमारी फ्लाई व्हील के साथ अटैच होता है, फ्लाई व्हील के साथ हम क्या करते हैं, हमारी प्रेशर प्लेट को अटैच कर देते हैं। क्योंकि आपको क्लच प्लेट में यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज तो हमको उसमें 2-3 लेक्चर देने पड़ेंगे, बस जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्लच प्लेट करता क्या है, फिर आपको टेस्टिंग समझ में आएगी या डायग्नोसिस आप उसकी कर पाओगे। डायग्नोसिस इतना टफ नहीं है, आपको बस ऐसी विजुअल डायग्नोसिस या फिर मैनुअल डायग्नोसिस ही करनी है उसकी, क्योंकि ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो उसको टेस्ट करके बताए और आपको वहां पे लगाने की जरूरत है, आप विजुअली देख पाते हो या फील कर पाते हो। तो यहाँ पे हम प्रेशर प्लेट को इंगेज कर देते हैं इस साइड हमारा ड्रिवन साइड होता है, जहां पे हमारी क्लच प्लेट लगी होती है। क्लच प्लेट क्या करती है, स्लाइड कर पाती है हमारे क्लच शाफ्ट पे, जिसको हम इंगेज या डिसइंगेज, इंगेज तो ऑलरेडी होती है, डिसइंगेज हम उसको, जो हमारा क्लच पैडल होता है उसको दबा के हम कर लेते हैं इजिली। बाकी ये जब दोनों इंगेज होती हैं तो पावर हमारे इंजन से हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम को जाता रहता है, और जिससे हमारी गाड़ी इजिली चलती रहती है। ये डायग्राम थोड़ा आपको ज्यादा विजुअल देगा, विजुअलिटी देगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आप यहाँ पे पैडल है, आप दबाते हो इसमें, ये आपका सिलेंडर है जिसमें फ्लूड होता है, ये फ्लो करता है, प्रेशर जनरेट करता है, डिसइंगेज कर देता है, और जब वो इंगेज होती है तो पावर ट्रांसमिशन होता है, डिसइंगेज हो जाते हैं तो पावर ट्रांसमिशन
रुक जाता है। इस डायग्राम को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो तो आपको डायग्नोसिस में इजी रहेगा। यहाँ पे जो डायग्राम है ये हाइड्रोलिक क्लच है। हाइड्रोलिक क्लच ही बेसिकली हर जगह पे यूज होता है। देखो आप होता क्या है, इसको आप प्रेस करते हो डिसइंगेज करने के लिए, ठीक है। इसको जब आपने प्रेस किया, फ्लूड में प्रेशर आया, फ्लूड क्या हुआ, इस पाइपलाइन से, ये हाई प्रेशर पाइपलाइन है, हाई प्रेशर पाइपलाइन से यहाँ पे आ गया। ये हमारा होता है स्लिप सिलेंडर, ठीक है। अब स्लिप सिलेंडर से हमारा ये कनेक्ट होता है पुश रॉड। ये क्या करती है पुश रॉड, इस वाले लाइन को पुश कर देती है आगे, जिससे ये इसको आगे पुश कर देते हैं और यहाँ पे डिसइंगेजमेंट हो जाता है। अब देखो क्लच प्लेट काम क्यों नहीं करेगी, या तो यहाँ पे हमारी जो प्रेशर प्लेट लगी हुई है, क्लच प्लेट लगी हुई है, उनके उनमें इंगेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा हो, उनकी असेंबलिंग अच्छी नहीं हो, या फिर जो वहाँ पे फ्रिक्शन लाइनिंग हो वो घिस गई हो, या फिर आपको कुछ भी खराब हो, इसमें ये रॉड खराब हो गया हो, ये इसको पुश नहीं कर पा रहा हो, या फिर आपको इसके बीच में प्रॉब्लम आ गई हो कोई, यहाँ से हमारा जो फ्लूड है इसमें एयर बबल आ गया हो, जिसके देखो एक चीज और आपको समझना है, यहाँ पे जो फ्लूड होता है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूड का मतलब आप जितना भी प्रेशर यहाँ पे लगाते हो, सारा प्रेशर ये फ्लूड क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, और वो सारा प्रेशर यूटिलाइज होता है इसको डिसइंगेज करने में। मान लो यहाँ पे क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूड है, तो आपने प्रेशर लगाया तो कुछ प्रेशर तो इसको फ्लूड को कंप्रेस करने में चला जाएगा और कुछ ही प्रेशर यहाँ पे यूटिलाइज होगा। तो वो कब होता है, मान लो इसमें एयर बबल्स आ गए तो ये क्या होंगे, कंप्रेसिबल होंगे। कंप्रेसिबल होंगे तो कुछ पावर के आपको या कुछ आपके प्रेशर को वो अब्सॉर्ब कर लेंगे, जिसके वजह से आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा इसको इंगेज डिसइंगेज करने के लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यहाँ पे लिक्विड लेवल कम हो गया हो, फ्लूड कम हो गया हमारे सिलेंडर में, हमारा सिलेंडर का मूवमेंट काम नहीं कर रहा हो, इसमें भी बहुत सारी असेंबली होती है हमारे सिलेंडर में भी, वहां पे भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के लिए भी वहां पे असेंबलिंग होती है। तो वो सारे चीजों में कुछ भी खराब हो जाए तो आपका मतलब ये पूरा क्लच का जो सिस्टम है वो वर्क करना बंद कर देगा। तो इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे डायग्नोसिस करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है खराब है, ये आपको इजीली आप कर पाते हो अगर आप गाड़ी कुछ दिनों से चला रहे हो। आप एकदम नए नए ड्राइवर हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप गाड़ी चलाते हो, आपको थोड़ा आइडिया है, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लच प्लेट या क्लच सिस्टम में कोई सी प्रॉब्लम आ गई है। बेसिकली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मान लो कोई एक्सटर्नल चीज ऐसी हो गई कि यहाँ पे फ्लूड का लीकेज हो गया तो प्रॉब्लम आ जाती है, अदरवाइज जो मेन प्रॉब्लम आती है जहां मोस्टली गाड़ियां खराब होती हैं, आपका जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो घिस जाती है, उस टाइम पे आपको जो क्लच प्लेट होती है उसको रिप्लेस करना ही ऑप्शन होता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है उसको बनाने के लिए, तो वो भी आपको बाहर से नहीं दिखती। आपने हाउसिंग इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, इसको बाहर से देखना काफी टफ होगा इस हाउसिंग को, तो वो आपको बाहर से नहीं दिखेगी। आप लेके जाओगे वहां पे मैकेनिक खोलेगा, फिर आपको दिखाएगा भैया कि आपकी ये क्लच प्लेट है वो खराब हो गई है, इसको आपको अब चेंज करना पड़ेगा, तो वो चेंज कर देगा। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे चलिए हम वन बाय वन करके देखेंगे कि आप कैसे देख सकते हो या कैसे गेस कर सकते हो कि आपके क्लच प्लेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो पहला होता है रोड टेस्ट। रोड टेस्ट कौन करेगा, रोड टेस्ट ऐसा आदमी करेगा जिसको थोड़ी गाड़ी की आइडिया हो। ऐसा नहीं कि आप अभी नए नए गाड़ी सीखे हो और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका सब कुछ खराब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आपको पता नहीं चलने वाला है। दूसरी चीज होती है कि आपको तो ये देख लेना है कि अगर कहीं पे ऑयल लीकेज उकेज तो नहीं हो रहा, जो चीजें बाहर से आप इंस्पेक्ट कर सकते हो उन सारी चीजों को आपको एग्जामिन कर लेना है। ऑब्वियसली अगर आपका केबल ऑपरेटेड है तो वो देख लेना है कि केबल आपका खराब नहीं है, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है तो देख लेना है कि जो लिक्विड का लेबल है या वहां पे कोई लीकेज है। ऑब्वियसली लीकेज होगा तो वहां पे स्मेल भी आती है बर्निंग, क्योंकि वो सारी एरिया गर्म हो जाती है, इंजन के पास वाला एरिया होता है, तो वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा स्मेल आना भी शुरू हो जाएगा अगर कहीं पे कुछ लीकेज होगा। जरूरी नहीं है कि वो लीकेज वाला इसी का हाइड्रोलिक होगा, क्योंकि ब्रेक का भी हो सकता है। कभी कभी किसी किसी गाड़ी में ब्रेक सिलेंडर और ये दोनों एक ही जगह से एक ही मतलब एक ही सिलेंडर होता है जो दोनों में काम आता है, मास्टर सिलेंडर एक ही होता है, तो वो भी हो सकता है, तो आपका ब्रेक भी काम नहीं करेगा उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें जो बाहर से आप इंस्पेक्ट कर सकते हो वो तो आपको कर ही लेना है। इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या फील होगा जब आपका क्लच काम नहीं कर रहा होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे वन बाय वन करके मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे मान लो आपकी गाड़ी आगे पीछे आप कर रहे हो, तो अगर गाड़ी में वाइब्रेशन हो रहा है या फिर यहाँ पे लिखा है हेजिटेशन। हेजिटेशन मतलब कि आपने गाड़ी को इंगेज किया, डिसइंगेज किया, बट वो डिसइंगेज नहीं हुई जैसे पहले होती थी, प्रॉपरली नहीं हुई। इंगेज जब होने जा रही है, आपने जब पेडल को छोड़ा तो इंगेज नहीं हो रही है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्या कर रहे हो,
एक्सेलरेटर ले रहे हो बट आपकी गाड़ी का बस आरपीएम बढ़ रहा है बट गाड़ी नहीं बढ़ रही है, मतलब वहां पे लाइनिंग खराब हो गई, पावर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, या फिर इंगेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है, या दोनों का अलाइनमेंट सही नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके आ सकते हैं। जो स्लीपिंग है, स्लीपिंग बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। अगर स्लीपिंग हो रही है तो पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा, और स्लीपिंग होने का एक ही मेजर रीजन होता है कि आपकी जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो चल बसी है, अब उसको रिप्लेस करने की जरूरत है। तो ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं कि तुरंत चली जाती है, आप हाईवे पे जा रहे हो तुरंत खत्म हो गई, बस आपका काम खत्म, आपको गाड़ी को टोच करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये आपको पहले से सिम्टम देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वाइब्रेशन आने लगेगा, स्पीड में डिडक्शन हो जाएगा, आरपीएम बढ़ेगा बट गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी को आपको आगे पीछे करने में इंगेजमेंट सही नहीं होगा। अगर आपने क्लच दबाया तो कभी इंगेज होगा, कभी नहीं होगा, कभी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके इंगेज हो जाएगा, कभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कभी आपने क्लच दबा के छोड़ा तो वापस ही नहीं आएगा। तो इस टाइप के सिम्टम्स ऑलरेडी आपको दिखने लगते हैं, जो कि एक नॉर्मल ड्राइवर जिसके पास एक बेसिक नॉलेज है वो भी गेस कर पाता है। तो ये सब अगर सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके जो क्लच सिस्टम है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। वार्निंग वाली चीज को मैंने पहले ही बता दिया कि अगर वहां पे कुछ लीकेज है तो या तो ऑयल लीकेज हो सकता है, या तो आपकी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक जो वायरिंग है वो जल रही होती है, तो वो सब आपको इंस्पेक्ट कर लेना है। आप भी उसको खोल के देख सकते हो, बाहर से वो दिखता है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। नॉइस अगर वहां पे हो रही है, मतलब अनयूजुअल नॉइस, जो यूजुअल नॉइस तो आपके इंजन से आती है, कोई अनयूजुअल नॉइस है तो उसको भी आपको ध्यान से देखना है। मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि एक अगर ड्राइवर ऐसा है जो पहले से गाड़ी चलाता है, जिसको थोड़ा सा गाड़ी के बारे में आइडिया है, तो उसको इजीली पता चल जाएगा कि उसके क्लच प्लेट में कोई प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो आपकी क्लच प्लेट होती है, जो आपकी क्लच शाफ्ट होती है, उस पर थोड़ा सा वो ट्रेवल करता है, ठीक है, डिसइंगेज होने के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपने पेडल को दबाया और आपकी गाड़ी तुरंत डिसइंगेज होगी, ऐसा हो रहा है इसका मतलब कि वो वहां पे आपके क्लच प्लेट में प्रॉब्लम आ गई है, आपको समझना। वो डिस्टेंस घटनी नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब क्या है कि आपका पार्सली इंगेजमेंट या डिसइंगेजमेंट हो रहा है। जब आप डिसइंगेज किए तो आपका पार्सली हुआ, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई है, फिर से आपने दबाया तो क्या हो गया, इंगेज हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होती है मिनिमम वो होनी चाहिए, जितना आपका पैडल आगे, जैसे आप दबाते हो थोड़ा आगे जाता है ना, उसके बाद डिसइंगेज होता है। तो ऐसा नहीं कि आपने इस पे पैर रखा और डिसइंगेज हो गया, ऐसा अगर हो रहा है इसका मतलब कि वहां पे आपके प्रॉब्लम है गाड़ी में, वो आपको इंस्पेक्ट कर लेना है। यहाँ पे वही चीज जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका कभी कभी जो क्लच का फ्लूड होता है वो चेक कर लेना, कभी कभी एक आपका मास्टर सिलेंडर ब्रेक वाले फ्लूड से ही अटैच होता है, दोनों एक ही फ्लूड से ऑपरेट हो रहे होते हैं, तो वो आपको चेक कर लेना है। अगर ऐसा कुछ है तो वहां पे लीकेज नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे आरपीएम से रिलेटेड चीजें दी गई हैं। देखो आरपीएम और क्लच प्लेट दोनों में क्या रिलेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करके बता देता हूँ, उन्हीं को यहाँ पे वन बाय वन करके लिखा गया है। इनका एक ही बेसिक फंडामेंटल है, वो आपको समझना है। देखिए सपोज करिए ये हमारा क्लच सिस्टम है, ठीक है, क्लच सिस्टम मैंने दोनों के बारे में कह दिया, ठीक है, क्लच सिस्टम मतलब पूरा क्लच सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा इधर से पावर आ रहा है, ये हमारी क्रैंकशाफ्ट वाली लाइन है, ये हमारी ट्रांसमिशन वाली लाइन है। अब ये जो हमारे भाई साहब क्लच हैं, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इधर से जितना पावर मिलता है, आप बिना कुछ घुसखोरी किए या बिना कुछ चोरी किए, आप अपने पावर को इधर ट्रांसमिट कर दोगे, ठीक है, ये क्लच का काम होता है बेसिकली। अब क्या होगा, अगर मान लो यहां से पावर आया और ये भाई साहब इनको ट्रांसफर नहीं किए, तो हमारी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अब आप क्या करते हो, गाड़ी को अगर एक्सेलरेट कर देते हो, ठीक है, गाड़ी को आप एक्सेलरेट करते हो तो गाड़ी का आरपीएम तो तेजी से बढ़ रहा है, आपकी इच्छा यह है कि हम गाड़ी को तेज चलाएंगे, इसके लिए आपने गाड़ी को एक्सेलरेट किया, अब गाड़ी का आरपीएम तो बढ़ रहा है, मगर ये भाई साहब काम ही नहीं कर रहे हैं। आप गाड़ी के आरपीएम को बढ़ाते जा रहे हो बट यहाँ पे पावर तो बढ़ रहा है, आपके क्रैंक शाफ्ट की पावर तो बढ़ रही है, बट क्रैंक शाफ्ट ट्रांसमिशन शाफ्ट में जो पावर जाना चाहिए वो ये भाई साहब ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो रहा है एन यूजुअल कि आप पहले से देखे हो कि आप जितने आरपीएम पे ये स्पीड आपको मिल जाती थी, सपोज आप 500 आरपीएम पे जा रहे हो, 600 आरपीएम पे जा रहे हो, आपको 60-70 की स्पीड मिल जाती है। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि 70 की स्पीड जाने में आपको 600 की जगह पे 700 आरपीएम लग रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पावर लॉस हो रहा है, आपका जो ट्रांसमिशन हो रहा है पावर का क्लच के थ्रू वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आपको इंस्पेक्ट कर लेना है। अब देखो ये बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस है, ये सबको समझ में नहीं आने वाली, इसीलिए
मैंने कहा कि इसकी डायग्नोसिस है, या तो आप लेके जाओ मैकेनिक कर पाएगा, या तो आपको थोड़ा विजडम है, आप पहले से गाड़ी चलाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे आरपीएम क्यों बढ़ेगा, आपकी गाड़ी क्यों नहीं बढ़ेगी। हो सकता है कि बहुत कम हो, जब ज्यादा स्लिपिंग होने लगेगी यहाँ पे, जब ज्यादा स्लिपिंग होने लगेगी तो ये भी हो सकता है कि आपको इन जनरल भी फील आने लगे कि हाँ ये तो गाड़ी का आरपीएम बहुत ज्यादा है यार, गाड़ी का आरपीएम 700 है और गाड़ी की स्पीड 40 है, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, पहले तो 700 पे 70-80 जाती थी। तो अगर इस टाइप से होने लगा मतलब बहुत ज्यादा स्लिपिंग हो रही है यहाँ पे, आपकी जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो पूरी काम से चली गई है, तो उस टाइम पे तो आप चेंज करवा। और जब भी फ्रिक्शन लाइनिंग चली जाएगी तो ऐसा नहीं कि केवल स्पीड जाएगी, आपका इंगेजमेंट डिसइंगेजमेंट कुछ भी प्रॉपर नहीं होगा, वो इंगेज भी नहीं होगा प्रॉपर, डिसइंगेज भी नहीं होगा प्रॉपर, तो इजीली आपको आपकी गाड़ी आपको जर्क देगी, वाइब्रेशन देगी। तो एक तरह से वो आपको कह देती है गाड़ी कि आप मेरा काम खराब हो गया है, अब तुम चलो मेरे मैकेनिक के पास, तो आपको लेके जाना रहता है, ज्यादा जबरदस्ती करने से अच्छा है। अब यहाँ पे कुछ टेस्ट इक्विपमेंट है जो यूज होते हैं बेसिकली टेस्ट करने के लिए कि आपके गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली ये इंस्ट्रूमेंट जब आप वर्कशॉप में जाते हो तो वहां पे लोग देखते हैं। एक तो होता है ये जो डॉक्टर साहब लोग लगाते हैं, आपने देखा भी होगा, ये सेम होता है वैसा ही। डॉक्टर साहब लोग जैसे कि ये क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है साउंड को। जैसे हम ये कह रहे थे कि अनयूजुअल साउंड्स आता है, तो उस अनयूजुअल साउंड को सुनने के लिए यहाँ पे इसका यूज होता है। ये क्या करता है, साउंड को एम्पलीफाई कर देता है, और जो मैकेनिक है ऑब्वियसली जो मैकेनिक है जो ये डिफरेंशिएट कर पाएगा कि हाँ ये साउंड अलग है, ये गाड़ी से नहीं आना चाहिए। आप लगा के देखोगे तो अगर आपको नहीं पता तो आपको क्या पता चलेगा कि कैसा साउंड आ रहा है। तो ये बेसिकली जिस तरीके से डॉक्टर साहब आपके हार्ट के साउंड सुनते हैं, कम है ज्यादा उन्हीं को समझ में आता है, उसी तरीके से मैकेनिक को समझ में आता है कि हाँ ये अनयूजुअल साउंड है। अगर वो बाहर से सुनाई नहीं देता तो ये इस मशीन का यूज करके सुनते हैं। ये आपके पास एक ब्रेक कम क्लच ब्लीडर है, ब्लीडर इसका नाम है, ये बेसिकली चेक कर पाता है कि आपका जो फ्यूल है वो कहीं उसमें एयर बबल्स फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है, कहीं पे लीकेज तो नहीं हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, तो इन सब चीजों के लिए है। ऑब्वियसली आपका जो फ्लूड है हाइड्रोलिक है, अगर वहां पे प्रेशर ड्रॉप होगा तो आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे तब जाके इंगेजमेंट या डिसइंगेजमेंट होगा, तो उसके लिए होता है। कहीं पे एयर बबल उसमें बन गए हैं तो फ्यूल लीक हुआ है, किसी रीजन से एयर बबल अगर वहां पे हो गए हैं तो उसके लिए भी ये देखते हैं कि उसको कैसे रिमूव करना है, और ये चेक कर पाते हैं कि वहां पे एयर बबल है। तो ये एक दो इक्विपमेंट होते हैं बेसिकली चेक करने के लिए, बाकी तो विजुअल इंस्पेक्शन ही होता है वहां पे। जब आप गाड़ी लेके जाते हो तो विजुअली इंस्पेक्ट कर पाते हो, आप देख खोलोगे तो आप देख पाते हो, आपने वर्कशॉप में भी ये सारी चीजें देखा होगा अगर कभी आप परफॉर्म किए होगे अपने वर्कशॉप में, या फिर आपका जो भी लैब होगा वहां पे अगर कभी आपने टेस्ट परफॉर्म किया होगा तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली होंगी। अब ये मैं अपने हिसाब से, अपने विजडम के हिसाब से, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं छोटी बड़ी, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बताई हैं और उसका पॉसिबल कारण। जस्ट रिमेम्बर दिस कि मैंने आपको जब एक डायग्राम दिखाया था तो वहां पे बताया था कि पावर ट्रांसमिशन होने का एक स्प्रिंग भी रीजन हो सकती है। ब्रेक लाइनर तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपकी स्प्रिंग भी रीजन हो सकती है, और स्प्रिंग खराब हो जा नहीं, स्प्रिंग सपोज बहुत अच्छी मटेरियल की नहीं बनी और इसमें एक्सटेंशन ज्यादा हो गया और ये अपने आप को रिकैप नहीं कर पा रही है, तो ये भी रीजन हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है पॉसिबल रीजन, एग्जैक्ट रीजन कभी भी कोई नहीं बता सकता कि ये हो रहा है तो यही एग्जैक्ट रीजन है, क्योंकि वहां पे पावर ट्रांसमिशन ना होने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ रीजन्स लिखे, कुछ सिम्टम्स लिखे हैं कि आपकी गाड़ी में ये सिम्टम्स आ रहा है तो ये पॉसिबल रीजन हो सकता है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि यही रीजन है इसलिए हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका क्लच स्लिपिंग हो रही है, तो आप क्लच स्लिपिंग के बहुत सारे रीजन है, जैसे कि एक यहाँ पे आपको थोड़ा रीजन लगे कि इसका क्या हो सकता है, ऑयल कंटामिनेंट। अब देखो जो हमारी आपको पता है फ्रिक्शन लाइनिंग के वजह से यहाँ पे इंगेजमेंट और डिसइंगेजमेंट होता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए। अब मान लो इस प्लेट पे हमारी जो फ्रिक्शन प्लेट है वहां पे कंटामिनेंट आ गया, कंटामिनेंट आ गया तो ये जो कनेक्ट होगा वो प्रॉपरली नहीं होगा क्योंकि बीच में तो कंटामिनेंट है, तो ये कंटामिनेंट क्या करेगा, पावर ट्रांसमिशन नहीं होने देगा, यहाँ पे स्लिपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत छोटा रीजन है कंटामिनेंट होना, बट इसका जो कॉज है मतलब पावर ट्रांसमिशन जो मेजर चीज है उसी को नहीं होने दे रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रीजन होते हैं यहाँ पे, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये चीज नहीं हो रहा है तो एग्जैक्टली यही रीजन है,
यहाँ पे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर अगला की हम बात करें, डिफिकल्ट टू चेंज गियर, अगर आपको गियर चेंज होने में प्रॉब्लम, क्योंकि जब भी आप गियर चेंज करते हो तो आप क्या करते हो, क्लच लेते हो, डिसइंगेज करने की कोशिश करते हो, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन हो रहा है उस समय पे आप गियर चेंज करोगे तो आपके गियर में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अब चूंकि गियर इतना मजबूत होती है ऐसा हम नहीं कह सकते कि टूट जाएगी, बट डेफिनेटली आपके गियर बॉक्स पे इफेक्ट होगा उसका। तो यहाँ पे जो आपका क्लच है वो प्रॉपरली शायद एडजस्ट नहीं हुआ होगा, उनका इंगेजमेंट नहीं हुआ, डिसइंगेजमेंट नहीं हो रहा होगा प्रॉपर। नेक्स्ट जो आपका है पैडल में, अगर आपका रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, जिस पैडल को आपको दबा के डिसइंगेज करते हो, इसका मतलब फ्लूड लीकेज हो सकता है, आपका केबल खराब हो सकता है, आपकी जो फ्लूड वाली लाइन है वो खराब हो सकती है, सिलेंडर प्रेशर नहीं जनरेट कर रहा होगा ये हो सकता है, सिलेंडर में जो अरेंजमेंट है आपका जो पिस्टन है वहां पे, या फिर उसमें जो रिंग पड़ी हुई है, कुछ भी खराब हो सकती है। तो ढेरों सारे रीजन हो सकते हैं। क्लच डज नॉट डिसइंगेज, इसके लिए भी आपका प्रेशर प्लेट, या फिर जब भी इंगेजमेंट डिसइंगेजमेंट की बात आए तो इसका मतलब है वहां पे कोई सा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको हम आगे पुश करते हैं, ये इसको पीछे खींचता है, जिसकी वजह से डिसइंगेज हो सकता है। तो इस पूरे असेंबली में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो ये डिसइंगेज नहीं होगा। तो केवल एक रीजन को हम ये नहीं बता सकते कि यही रिस्पॉन्सिबल है। क्लच प्लेट स्लिप हो रहा है तो प्रेशर प्लेट खराब हो सकती है आपकी, क्लच प्लेट की लाइनिंग खराब हो सकती है आपकी, ऑयल लीकेज हो सकता है आपका, फिर से वही वाइब्रेशन हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम, अगेन द सेम प्रॉब्लम इज रिपीटेड देयर, क्योंकि पूरी क्लच असेंबली में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आपके जो पावर ट्रांसमिशन है वो नहीं होगा, पावर ट्रांसमिशन प्रॉपरली नहीं होगा, अगर क्लच का इंगेजमेंट डिसइंगेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो वाइब्रेशन आएगा, आवाज आएगी वहां से, ठीक है, आपको अनयूनिफॉर्म पावर ट्रांसमिशन फील होगा, आपकी गाड़ी आपको जर्क देगी। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक प्रॉपर रीजन नहीं हो सकता है। तो आपको इस टाइप से ऑप्शन बना के नहीं दे सकते हैं कि आपके क्लच में या आपकी गाड़ी में ये सिम्टम दिख रहे हैं तो इसका रीजन क्या हो सकता है, तो ये टाइप की प्रॉबिलिटी नहीं है। और मोस्ट प्रॉबल होगा कि आपसे क्वेश्चन जो है इंजन टेस्टिंग से पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेक्चर पसंद आया होगा और उनके साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करिए। चलिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।